उसके लिए हमें चाहिए 3 अंडे, बारीक कटे हुए 2 से 3 प्याज, बारीक कटा हुआ 2 टमाटर, नमक, गरम मसाला, अदरक का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और पकाने के लिए तेल। चलिए देखते हैं भुर्जी कैसे बनाते हैं। पहले कढ़ाई को गरम कर लेते हैं अच्छे से। कढ़ाई अभी अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे तेल, पूरा डाल दो। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज हम डालेंगे। करण सब नजर आ मोहम्मद, ये मोहम्मद, वो मोहम्मद। इसको हमेशा मीडियम आंच में ही पकाना है। अभी इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे ताकि अच्छे से वो ब्राउन कलर के हो जाए और नरम हो जाए। आप देखो ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट थोड़ा सा, और अदरक का पेस्ट, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अभी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। अभी डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकने के लिए 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब देखिए इसमें से तेल निकल आया है, मतलब ये अच्छे से भुन गया है। अभी इसमें हमें अंडा डालना है। थोड़ी है ना, अभी आपको अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। जब तक ये सूख ना जाए, देखिए ये सूखना चालू हो गया, और छोटे छोटे टुकड़े अगर आपको चाहिए तो ऐसे स्मैश करना है। अगर तेल थोड़ा कम चाहिए तो कम डालना है, लेकिन तेल अगर थोड़ा ज़्यादा चाहिए आपको तो ज़्यादा डाल सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें होती है वो ज़्यादा ऑयल में अच्छी लगती है, जैसे कि नॉनवेज होता है, फिश फ्राई नहीं लेकिन चिकन बनाना हो या एग का कुछ बनाना हो तो थोड़ा ऑयल अच्छा लगता है। सब्जी में भिंडी, बटाटा और बैंगन, इसमें थोड़ा सा पानी, देखिए इसकी वजह से वो थोड़ा गीलापन आता है। ज़्यादा ऑयल नहीं खाना है, फिर भी गीलापन भी चाहिए, इसके लिए वो गीलापन थोड़ा आता है। अभी इसके ऊपर हम लोग ढक्कन रख देते हैं। 2-3 मिनट के बाद ये ढक्कन निकालेंगे। ये देखिए भुर्जी तैयार हो गई, ज़्यादा सूखी भी नहीं है और गीली भी नहीं है। अभी ये देखिए हमारा बन गया अंडे का भुर्जी। आप चाहे तो इसे ऊपर से पत्ता धनिया दे सकते हैं।